मानेंगे वाला भी हैप्पी इंडिपेंडेंस बोलना ही नहीं आता, इतनी बुरी हालत। अभी रुक जाओ, चल रहा है अंदर कुछ इसलिए। अच्छा, स्वतंत्रता गणतंत्र नहीं है सर, कौन है गणतंत्र? आकाश थापा ने बोला ऐसा? अबे देखो तो शर्म आनी चाहिए भाई, मिलिट्री मैन हो के चंपू। स्वतंत्रता दिवस की 72वीं, 72 को 72 बोलते हैं हिंदी में भाई। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू बोलते हैं ऐसे। अच्छा, सेम टू ही बोलते हैं आपको भी? हाँ, ठीक। चलिए शुरू करें एक नया चैप्टर। ओए भाई साहब, आ जाओ मार्केट में। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता, पुराने कोई भी पापों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं जेई मेन के अंदर, मतलब 8 से 12 नंबर का, तो आप मान ही लो, ठीक है। पूछते हैं हाँ, और जेई एडवांस में अगर पैराग्राफ आ जाए तब तो खैर बल्ले बल्ले। चैप्टर बहुत आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ी सी याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लिखने लिखने का सामान ज़्यादा है, तो अभी तो अपन तेज़ी से लिखेंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, दो दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। पहले मैट्रिसेस इसलिए लिखा है, विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस, फिर बीच में मैट्रिसेस के बीच में से विल मूव इनटू डिटरमिनेंट्स, देन वापस एंड विद मैट्रिसेस। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के फैशन से एकदम बिल्कुल। कुछ चीज़ें तो उसने भी अच्छी दे रखी है, उसी तरीके से हम लोग इसके फ्लो को आगे लेके जाएंगे। चलिए मैट्रिसेस डेफिनेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस, आइटम, लोग, इस क्लास में बैठे हुए लोग, इस क्लास में अरेंज्ड बेंचेस, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे, से m रोज एंड n कॉलम्स, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स, जैसे a, b, c, कोई भी, ठीक है। जैसे हम लोग सेट कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट, इट्स अ नोटेशन। तो मैट्रिक्स के लिए नोटेशंस कैपिटल लेटर्स, ए से एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, ठीक है। उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n, इधर A monkey 1, A monkey 2 एंड सो ऑन, A monkey नलायक। ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। मैट्रिसेस दर्शाने के लिए दो तरह के ब्रैकेट्स यूज हो सकते हैं, एक तो हमारा पैरेंथेसिस जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। इन शॉर्ट मैट्रिक्स लिखने का तरीका AIJ मंकी क्रॉस नलायक। सारी चीजें समझा रहा हूं मैं। पहली चीज, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके, एक तो मेरे पैरेंथेसिस जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट GIF वाला, ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं कई लोग इन्हें। दो तरीकों से मैट्रिक्स दर्शाई जा सकती है, इनमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट्स हैं इन्हें बोलते हैं रोज। सो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट हैज कितनी रोज, मंकी रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन, mth रो। एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स
आर कॉल्ड कॉलम्स। ये तो आपने पास्ट में जो डिटरमिनेंट नाम की चीज भी पढ़ी है उसमें भी ये चीज देखी है, तो ये तो सेम चीज है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट हैज मंकी रोज एंड नलायक कॉलम्स। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स वेयर मंकी डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड नलायक डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। एलिमेंट्स दर्शाने के लिए हमने स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया। हर लेटर के नीचे दो डिजिट्स आपको नजर आ रही हैं। कहीं वन वन लिखा है, कहीं टू टू, कहीं टू थ्री, कहीं टू एन, कहीं एम एन। ये जो ए आई जे है, दिस ए आई जे इज यूज टू गिव द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। What is address? AIJ denote element of ith row and jth column. ith row jth column, जैसे second row third column का element, second row third column का element किससे denote किया गया है? A23। Simple है एकदम, बिल्कुल कोई समस्या? कोई समस्या? ठीक है, करिए क्वेश्चन।